हेलो, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं और ये हम करेंगे आज के पहले की क्लासेस में जितने भी हमने अलग अलग फॉर्मूले सीखे उनकी मदद से। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता क्या है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें एक इक्वालिटी साइन है, विच मीन्स कुछ एक्सप्रेशन है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है और ये एक इक्वेशन के फॉर्मेट में है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, इसलिए इसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब ऐसे टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं उसके स्टेप्स पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वेरिएबल्स को कम कर सकें, वी रिड्यूस द वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हमारे पास काफी टर्म्स होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट एक्सेट्रा, बट हमें ये पता है कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस इक्वेशन में कोई एक ही वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। या तो हम पूरे टर्म्स को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करें या तो फिर पूरे टर्म्स को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करें। एक बार पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आ गया, उसके बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स कैंसिल करके कम करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे पास कुछ आंसर आएगा, लाइक साइन एक्स इक्वल टू समथिंग या कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग। जैसे ये आएगा, उसके बाद में हमें डबल चेक करना चाहिए कि जो आंसर आ रहा है वो डोमेन एंड रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और ये करने के बाद में लास्ट स्टेप होगा कि हम सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस उस वैल्यू के लिए निकालने की कोशिश करें। तो अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, आप इस इक्वेशन को इन स्टेप्स की मदद से सॉल्व करें और उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करें। नाउ लेट्स कंपेयर आवर सॉल्यूशंस। लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर। आई वॉन्ट टू रिड्यूस वेरिएबल्स, सो आई वॉन्ट टू आइदर कन्वर्ट साइन टू कॉस और कॉस टू साइन। नाउ हाउ वुड यू चूज विच वन शुड यू डू? गेट एक्सेस टू आवर प्रीमियम कॉन्टेंट, कॉल अस एट 8268049991 और विजिट avanti.in/gurukul एंड स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टूडे। इफ यू ट्राई कन्वर्टिंग दिस कॉस टू साइन, यू नो दैट यू हैव टू यूज द एम्पेरिकल रिलेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। From there you can see that cos square x is 1 minus sin square x, but cos x is under root 1 minus sin square x. So if I replace cos x as under root 1 minus sin square x, I will get terms with a square root over here which are not good. But I have sin square x directly, so I can very easily convert it as cos square x by simply writing this as 1 minus cos square x. Now once I do that, this becomes a quadratic equation in cos x, which I'm sure you all can do. I've written the steps here in case you all are confused. Let's jump forward. We get two factors over here. We get 2 cos x minus 1 into cos x minus 3 equal to 0. Now both of these factors, either of these factors could be 0. So let's take this one to be 0 first. If this is 0, then I get cos x equal to 1 by 2. And if this is 0, I get cos x equal to 3. Now, as soon as you see this, you should know that cos x cannot take values beyond minus 1 and 1. So, cos x can never realistically ever be 3. But cos x can be 1 by 2. And from your trigonometric experience, you would immediately remember that cos of 60 is 1 by 2. So, you would want to jump the gun and say that, oh, I found my solution, x equal to 60 degrees. But you remember the last step I had asked you to do is to find all possible solutions. And you also know that in trigonometry, you have coterminal angles, you have other angles in other quadrants which get reduced to the first quadrant, and their trigonometric ratios are also the same. For example, for cos, we've studied that if you take a positive angle and the same negative angle, their cosine will be the same. So cos 60 is the same as cos of minus 60. So x could be plus 60 or x could be minus 60. Or in fact, x could be an entire revolution plus 60, which is nothing but 2n pi plus 60 or 360 plus 60, which is 420 degrees, which are nothing but coterminal angles. So now we'll see how we can generalize whenever we have cos x equal to something, how can you generalize a set of values that x can take? अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास केसेस हो ऑफ द टाइप कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग, तो हम सारे सॉल्यूशंस किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले
दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे केसेस में. एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि वो एंगल्स होते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, और एक होते हैं जनरल सॉल्यूशंस जो सारे ही सॉल्यूशंस लेते हैं. अब अगर हमारे पास कॉस एक्स इक्वल टू हाफ है तो हमें ये तो पता ही है कि 60 डिग्रीज इज बिटवीन 0 एंड 2 पाई एंड कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ, विच मीन्स एक वैल्यू ऑफ अल्फा हमारे लिए यहाँ पे 60 डिग्रीज तो है ही. तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है टिपिकली उसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप डायरेक्टली इन वैल्यूज से निकाल लेते हैं. अब हमें पता है कि अगर अल्फा 60 डिग्रीज है तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, जहां पे अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा. अब हमें यह देखना है कि एक्स और अल्फा के बीच में ऐसा कोई रिलेशन हम निकाल सके जिसके लिए दोनों का कॉस सेम हो बट एक्स एंड अल्फा अलग अलग एंगल्स हो. हमें यह दिख रहा है कि अगर हमने 60 डिग्रीज लिया उसका कॉस का कुछ वैल्यू होगा, -60 डिग्रीज लेंगे तो उसका भी कॉस का वैल्यू वही होगा. तो हम सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में -60 डिग्रीज भी लिख सकते हैं, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए एंड 2 पाई से कम होना चाहिए. तो हमें ये पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू तो है ही बट वो -60 नहीं लिखा जा सकता, उसे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखना होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, पूरी 360 -60 डिग्रीज, विच इज नथिंग बट 300 डिग्रीज. तो अभी हमारे पास दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए. अब हमें यह पता है कि अगर हम एक और रेवोल्यूशन काटने के बाद हम 60 डिग्रीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तब भी कॉस की वैल्यू सेम होती, तो वो भी हमारे एक्स में आना चाहिए, हमारे सॉल्यूशंस में आना चाहिए. बट हमने दो रेवोल्यूशन काटे होते तब भी होता, 3, 4 एंड सो ऑन. तो हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कह के कि हम एन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई चक्कर लगाने के बाद, यहां पहुंचने के बाद, हम अल्फा ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी कॉस की वैल्यू सेम होगी. वेदर यू ऐड अल्फा और यू सब्ट्रैक्ट अल्फा, ये जो पूरा एंगल होगा, अगर इस एंगल को हमने एक्स कहा तो कॉस ऑफ दिस होल एंगल विल बी द सेम एज कॉस ऑफ अल्फा, यानी कि कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा. मतलब ये सारे ही एंगल्स हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. इसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं एन को अंदर ले जाके, विच इज नथिंग बट 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. और ये कहता है कि जैसे आपको कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग सॉल्व करना है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकाल लीजिए. प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के बाद उनमें से जो छोटा वैल्यू है उसे अल्फा लिख के आप कह सकते हैं कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा विल गिव यू ऑल द जनरल सॉल्यूशंस फॉर कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा. अब हम ये देखते हैं कि साइन के लिए हम ये किस तरीके से कर सकते हैं. अब हम सेम प्रोसेस यूज करके साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. मान लेते हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी जिसका आंसर आया हमें साइन एक्स इक्वल टू 1/√2. अब हमें यह पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो निकालना काफी आसान है 1/√2 के लिए. हमें पता है कि साइन ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2, और कुछ लोग को यह भी पता होगा कि साइन ऑफ थीटा इज द सेम एज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, विच मीन्स कि अगर 45 का साइन 1/√2 है तो 135 का भी 1/√2 होगा. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए 0 से 2 पाई के बीच में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं. अब इसे यूज करके हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं, इसी की लॉजिक को हम जनरलाइज कर लेते हैं फॉर एनी एंगल अल्फा. हमें यह पता है कि एक एंगल है हमारे पास अल्फा और एक एंगल है हमारे पास यहां से पाई माइनस अल्फा, विच इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा. इन दोनों का साइन सेम है, विच मीन्स कि अगर हम एक और रेवोल्यूशन काटते उसके बाद में अल्फा ऐड करते एंड पाई माइनस अल्फा ऐड करते, दोनों से हमें आंसर मिल जाता. तो हमें लग रहा है कि आंसर शुड बी 2n पाई, विच इज मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा, या तो 2n पाई अगेन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई प्लस पाई माइनस अल्फा. यहां पहुंच के अल्फा ऐड करो या यहां पहुंच के पाई माइनस अल्फा ऐड करो. अब ये दोनों तो आंसर्स हम नहीं दे सकते, हमें एक ही कंबाइंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो इस केस में हम इन दोनों को और कंबाइन करने की कोशिश करते हैं. हमें क्या दिखता है, इस पाई को अगर हम यहां पे जोड़ दें तो ये हो जाता है 2n प्लस 1 पाई, विच इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, क्योंकि 2n एक इवन नंबर है प्लस 1 इज ऑड.
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हमें अल्फा सब्ट्रैक्ट करना है एंड इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे हमें अल्फा ऐड करना है, जो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। अगर आप इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे पहुंचेंगे तो अल्फा ऐड करना है, अगर आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे पहुंचेंगे तो अल्फा सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसे हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? हमें यह तो पता है कि हम एवरी मल्टीपल ऑफ पाई पे पहुंच तो रहे ही हैं, तो हमने सिंपली लिख दिया एन टाइम्स पाई। एन इवन हो या ऑड हो, हमें जाना तो है ही। अगर एन इवन हुआ तो अल्फा ऐड करना है, एन ऑड हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें हमने छोटी ट्रिक लगा दी, -1 raised to n। वॉट डज दैट डू? अगर एन इवन है तो -1 का इवन पावर 1 होगा, तो अल्फा ऐड हो जाएगा, परफेक्ट इवन पे ऐड। अगर एन ऑड है तो -1 raised to an odd number minus रहेगा, नेगेटिव अल्फा हो जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, विच इज ऑल्सो परफेक्ट। तो अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है जो हमें सारी वैल्यूज ऑफ एक्स दे देगा, जिसके लिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ऐसे केसेस में पहले सबसे पहले अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। Subscribe and stay tuned for more science and math videos. And if you missed any previous video of this chapter, click here to watch the complete playlist. तो अगर मैं इस पूरे example